Today, we are going to be discussing an important topic, that is, what if. इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले वाटर का. तो वाटर जो है हमारे पास 2/3 कवर कर रहा है अर्थ की सरफेस का. 70% ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वाटर. 70% जितने भी ऑर्गेनिजम्स का होता है वो वाटर से बना हुआ है. हाईएस्ट वाटर कंटेंट हमारे पास ब्रेन सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज अबाउट 85 to 90%. Lowest is in the seeds and bones, that is 20%. Jellyfish have exceptionally abundant water, almost 99%. अब इसके अंदर ये जितनी भी percentages हैं और जितने भी आपके साथ cells discuss किए हुए हैं या ये jellyfish discuss की हुई है, so these are very important for MCQs. You have to memorize these. अब हम properties of water को discuss कर लेते हैं. Number one is the polarity. तो वाटर की पोलैरिटी क्या है? बहुत ज्यादा हाई पोलैरिटी है. हेडिंग में मैंने लिखा है हाई पोलैरिटी. वाटर इज बेसिकली अ पोलर मॉलिक्यूल, एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है. पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है कि उसके अंदर पोल्स डेवलप कर लेते हैं. पोल्स कब डेवलप करेंगे? एक पोल जो होगा उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और दूसरे पोल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए ऑक्सीजन हैज अ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, व्हाइल हाइड्रोजन एटम्स हैव स्लाइटली पॉजिटिव चार्जेस. ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया जाएगा ड्यू टू इट्स एक्सेसिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाइड्रोजन एटम्स की तो हमें पता है दे आर वेरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हेंस दे गेन द slightly positive charge. और अगर बात की जाए तो water is a universal solvent due to the polarity of water molecules. Water molecules की polarity की वजह से water is a universal solvent. क्यों? क्योंकि जितने भी charged substances होते हैं जब उनको हम release करते हैं water के अंदर तो वो disassociate कर लेते हैं, और इसी तरह जितने भी polar substances होते हैं वो भी disassociate कर लेते हैं. इस वजह से water जो है हमारे पास universal solvent है या एक excellent solvent है, बेहतरीन solvent है. The next property is hydrogen bonding. The bond between the lone pairs of oxygen atom and hydrogen atom is the hydrogen bond. जो lone pair of oxygen atom के दरमियान और जो highly electronegative atom है और hydrogen atom के दरमियान bond बन रहा है, that is basically the hydrogen bond. There are two hydrogen bonds in water molecule. Water molecule के अंदर दो hydrogen bonds होते हैं. Water molecule दो hydrogen bonds बनाते हैं. Due to hydrogen bonding, water is a liquid suitable for life at all temperatures. Hydrogen bonding की वजह से water जो है हमारे पास हर तरह की life के लिए suitable है. हर तरह के temperature पे, किसी भी temperature की अगर बात की जाए तो water is suitable for life at that temperature. Why? Because of the hydrogen bonding present between the water molecules. अब आपने ये diagram देखनी है. इसमें आप देखें ये जो center में आपको नजर आ रहा है, this is oxygen. ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं. एक हाइड्रोजन के ऊपर ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है. तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, दिस इज वन हाइड्रोजन बॉन्ड. सिमिलरली ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास एक और ऑक्सीजन के साथ, एक और वाटर के ऑक्सीजन के साथ एक और बॉन्ड बना रहा है, दिस इज अनदर हाइड्रोजन बॉन्ड. नेक्स्ट इज द नंबर थर्ड प्रॉपर्टी. नंबर थर्ड प्रॉपर्टी इज कोहिजन एंड एडिशन. अब कोहिजन क्या होती है? अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज कोहिजन. कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? कोहिजन कहलाता है. अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड अदर पोलर कंपाउंड्स इज एडिशन. वाटर के दरमियान और अदर पोलर कंपाउंड्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको क्या कहेंगे? एडिशन कहेंगे. तो आपने कोहिजन और एडिशन में कंफ्यूज नहीं होना. वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है दैट इज कोहिजन, एंड वाटर और किसी और पोलर कंपाउंड के दरमियान जो अट्रैक्शन है दैट इज एडिशन. दीज प्रॉपर्टीज हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन लिविंग बॉडीज. लिविंग बॉडीज के अंदर वाटर को सर्कुलेट कराने के अंदर कौन हेल्प करेगा, कौन सी प्रॉपर्टीज हेल्प करेंगी? तो वो कोहिजन और एडिशन हेल्प करेंगी. अब हम कोहिजन और एडिशन को भी डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ. ये देखें, ये एक वाटर मॉलिक्यूल शो किया हुआ है और ये एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल शो किया हुआ है. अब ये जो है हमारे पास पोलर या चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो पोलर और चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ जो अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे? एडिशन कहेंगे. दोनों साइड्स पे आप देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल और पोलर सरफेस के दरमियान, पोलर बॉडी के दरमियान जो अट्रैक्शन है दैट इज एडिशन, और सेंटर में वाटर दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है दैट इज कोहिजन.
So far, we have discussed three properties. The fourth property is high specific heat capacity. The amount of heat required for minimum increase in temperature of a substance. वो amount of heat जो required है minimum increase सबसे कम increase करने के लिए temperature को एक substance की उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे heat capacity. 1 calorie या 4.18 joule heat is required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 Kelvin. अगर हमने 1 calorie heat जो है देनी है तो उस वो कितना टेम्परेचर रेज करेगी? 1 Kelvin से रेज करेगी 1 gram of a substance का. Water works as a temperature stabilizer due to its high specific heat capacity. अब हमारे पास वाटर जो है वो टेम्परेचर के स्टेबलाइजर के तौर पे काम कर रहे हैं कि वाटर जो है अगर बहुत ज्यादा भी हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि वाटर की जो हीट कैपेसिटी है उसकी वैल्यू ही बहुत ज्यादा है. इस वजह से उसको एक बहुत ज्यादा हीट चाहिए होगी कि वाटर का टेम्परेचर चेंज हो सके. इस वजह से वाटर हमारे पास टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट कर रहा है. इट्स टाइम टू डिस्कस द प्रैक्टिस क्वेश्चन. स्टेटमेंट इज Cohesion and adhesion is a property which is due to dash of the water molecules. Cohesion or adhesion वो property है जो water molecules की किस चीज की वजह से होती है. Alpha option is polarity. Beta option is hydrogen bonding. Charlie option is covalent bond. And delta option is none of the above. सोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यू का. तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कोहेजन और एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर. कोहेजन भी और एडिशन भी दोनों किसकी वजह से होती हैं? कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके दरमियान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर द रीजन फॉर एडिशन एंड कोहेजन. एंड दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स हेल्प द वाटर मॉलिक्यूल्स टू ट्रेवल और टू बी ट्रांसपोर्टेड इन द लिविंग बॉडीज. आई होप कि आपको जितनी प्रॉपर्टीज हमने वाटर की पढ़ ली हैं सो फार क्लियर हो गई होंगी. थैंक यू वेरी मच.